जबलपुर के लोकप्रिय बीजेपी सांसद और लोकसभा के मुख्य सचेतक राकेश सिंह जी ने सिंधी समाज के पर्व चेटीचंड की दी हार्दिक शुभकामनाएं। चेटीचंड याने भारतीय हिंदू पद्धति हिंदू नव वर्ष की शुरुआत। चेटीचंड याने भगवान झूलेलाल जी का अवतरण दिवस। सैकड़ों हजारों साल से लगातार उन्हें स्मरण करते हुए इस पर्व को भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग मिलजुल कर मनाते चले आ रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आवश्यक भी है। भगवान झूलेलाल जी सिर्फ सिंधी समाज नहीं बल्कि समस्त हिंदू संस्कृति के आदि पुरुषों में से एक। जिस समय भगवान झूलेलाल जी का अवतरण हुआ था बहुत विपरीत परिस्थितियां थी। अगर उनका अवतरण नहीं हुआ होता तो भारतीय हिंदू संस्कृति का ये जो प्रमुख आधार स्तंभ है सिंधी संस्कृति या शायद उनको इस रूप में दिखाई नहीं देती। और इसलिए आवश्यक है कि उनकी जयंती के अवसर पर मिलजुल कर जहां उनको एक और हम याद करें वहीं उनके बताए हुए रास्ते पर उनके संदेशों को आगे बढ़ाते चले। देश के लिए आज आवश्यक है कि सभी भारतीय संस्कृति और भारतीय पद्धति के मानने वाले लोग मिलजुल कर एक साथ एक होकर इस तरह के कार्यक्रमों में सहभागिता देते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए विकास के रास्ते पर सब एक साथ आगे बढ़े। पूर्णतः भारतीय विशुद्ध हिंदू संस्कृति का मतलब है या उसका दूसरा नाम है सिंधी संस्कृति। और आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान झूलेलाल जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो इतनी शक्ति दें कि आने वाले समय में भी इस तरह से इस पर्व को हम सब मिलजुल कर मनाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।